कल पुलवामा में हुए हमले में शहीद हमारे देश के ऊर्जावान सीआरपीएफ जवानों की शहादत को मैं नमन करता हूं एवं इस दुखद क्षण में शहीदों के परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। जिस तरह देश की जनता में आक्रोश है यह स्वाभाविक है और मैं पूर्ण रूप से यह विश्वास दिलाता हूं कि हमारे देश की सरकार इस बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देगी। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने व्यक्तित्व में कहा है कि जिन आक्रांताओं ने यह किया है और जिन लोगों ने इसे बल देने का काम किया उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जिस उम्मीद से उन्होंने यह किया उनके यह मंसूबे कभी नहीं पूर्ण होंगे और जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। जो भाषा वो आतंकवादी समझते हैं अब हम उसी भाषा में उनको जवाब देने का समय आ गया है। वीर जवानों के बलिदान को नमन करते हुए हम उनको अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय हिंद, जय भारत।